दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए साप्ताहिक भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 से 12 मई 2019 तक की इन 10 बड़ी भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। टॉप 10 भर्तियों की अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सप्ताह के लिए 1,00,000 से ज़्यादा खाली पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, क्या आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा या फिर नहीं करना होगा, कैसे आपका इन भर्तियों के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 10 की 10 जॉब देखना अनिवार्य है, तभी आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए टॉप 10 भर्तियों की पूरी अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। एक से बढ़कर एक नौकरी कलेक्ट करके आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में सेलर्स यानी कि नाविक के मैट्रिक रिक्रूट MR के लिए यहाँ पर वेरियस पद खाली है। सैलरी 71,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए 10वीं क्लास मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो बिटवीन 1 अक्टूबर 1994 से 30 सितंबर 2002 के बीच में यानी कि जन्म होना चाहिए, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो, प्लस आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT और मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के माध्यम से। हाइट की वही बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी होगी 7 मिनट में कंप्लीट, और 20 आपको उठक बैठक लगानी होगी और 10 इसमें आपको पुशअप्स लगाने होंगे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो joinindiannavy.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 मई 2019 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, CRPF में इंस्पेक्टर के वेरियस पद खाली है। सैलरी 9,300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 4,600 रुपये है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो crpf.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप 15 जून 2019 तक आवेदन पत्र भरने के बाद में सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर वेरियस पद खाली है। 20,600 से 65,500 लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर इस भर्ती के अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। district.eco.gov.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप इसका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 17 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के वेरियस पद खाली है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो, लेवल 15 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए भी डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आयु की गणना 30 अप्रैल 2019 से की जाएगी। सिक्किम जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये अप्लाई शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो spscskm.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप 4 जून 2019 तक डायरेक्टली सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में,
पोस्ट है इसमें पायलट, असिस्टेंट मैनेजर और लाइब्रेरियन की। वेरियस पद खाली है। पायलट के लिए 29,100 से 54,500 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 20,600 से 40,500 और लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए 16,400 से 40,500 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए डिग्री और पीजी डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष कम से कम आयु सीमा है। नई मुंबई जॉब लोकेशन है इंडिया में। आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट, ओरल इंटरव्यू एक्सपीरियंस या एडिशनल क्वालिफिकेशंस, और भी इसमें प्रोसेस दिए गए हैं जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। jnpo.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 24 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारतीय रेलवे। यहाँ दोस्तों नॉर्थन रेलवे में भर्ती निकली है। पोस्ट है गेटमैन, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गुड्स कार्ट इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल कैडरे की। यहाँ पर 678 पद खाली है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 64 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। nr.indianrailways.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में। पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन, रिगर हेल्पर, हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, असिस्टेंट जनरल, असिस्टेंट फाइनेंस, डिपोर्ट असिस्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, नर्स, कैंटीन सुपरवाइजर की। 274 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 32,900 से 58,000 सैलरी और कुछ पोस्ट के लिए 29,100 से 54,500 और कुछ पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 26, 35, 38, 45 और 48 मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। 1 अप्रैल 2019 से आयु की गणना की जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी ईएक्स सर्विसमैन के लिए ₹500 शुल्क है। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। fact.co.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 मई 2019, लास्ट डेट 20 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टोर कीपर कम क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, प्लम्बर, वायरमैन, और भी पद है जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 370 खाली पद है। सैलरी 67,700 से 208,700 है और 56,100 से 107,500 कुछ पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री, पीजी डिग्री और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35, 21 से 40 और 30 से 40 वर्ष है। कुछ पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऋषिकेश उत्तराखंड है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। 500, 700, 750, 1,000, 1,500 और 3,000 अलग अलग कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क है जो कि आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। aims.rishikesh.edu.in इस पोर्टल से आप 28 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सफदरजंग हॉस्पिटल में। जूनियर रेसिडेंट्स के यहाँ पर 310 पद खाली है। सैलरी 56,100 लेवल 10 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। MBBS अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जानकारी की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से तय की जाएगी। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है इंडिया में। आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए ₹500 अप्लाई शुल्क है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है। एससी एसटी पीएच के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है जो कि आप केवल NEFT या RTGS से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। vmmc-sgh.nic.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 21 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में। असिस्टेंट इंजीनियर के 58 पद खाली है।
सैलरी 50,700 से 1,60,600 है लेवल 8A के अंतर्गत भी बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए ₹400 अप्लाई शुल्क है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 200, पीएच के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jkpsc.nic.in इस पोर्टल से आप 28 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इस सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको सभी जॉब्स के अलग अलग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पेज पर विजिट करके आप वहीं से उनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। सभी के लिए वहीं पर लिंक दिए गए हैं। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उन्हीं के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी मिल जाएंगे। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक भी मिल जाएंगे। आप सिंपली वहीं से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।